अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा फैशन आइडियाज़। आई एम कम बैक विद अनदर वीडियो। जश्न आज़ादी मुबारक। उम्मीद करती हूँ व्यूवर्स के आज आप सब लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा, दुआएं किए होंगे हमारे पाकिस्तान के लिए। आज हमारा जो है पाकिस्तान जो बना था 14 अगस्त 1947 में, और आज 14 अगस्त है, सब ने बहुत इंजॉय किया होगा। और दुआएं करें कि हमारे पाकिस्तान को अल्लाह हमेशा ऐसे ही सलामत रखें। और उसके अलावा जो है स्पेशली जो है कश्मीरियों के लिए लाजमी दुआ कीजिएगा कि वो जो है वो भी हमारे पाकिस्तान के हिस्से में आए, पाकिस्तान के हिस्से में आए, चाहे वो अलहदा उनको आज़ाद कर दिया जाए, वो अलहदा एक कंट्री बना दी जाए, तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। हमें ये नहीं है कि वो हमारे स्पेशली हमारे पाकिस्तान के ही हिस्से में आए, तो उनके लिए भी दुआ कीजिएगा। और आज की इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैंने व्यूवर्स आपके साथ सेलिब्रिटीज़ की पिक्स शो की शेयर की हैं, तो देख सकते हैं आपके सेलिब्रिटीज़ माशाल्लाह से बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसमें आप देख सकते हैं ये दानिश तैमूर परचम उठाए खड़े हुए हैं। तो व्यूवर्स वीडियो को एंड तक लाजमी देखेगा, आगे भी आपको सेलिब्रिटीज़ की पिक्स देखने को मिलेंगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। और ये देखें माशाल्लाह से एमर मरीब की बेटी कितनी प्यारी लग रही है, बहुत क्यूट सी है, बहुत देखें परचम उठाया हुआ माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त लग रही है। अल्लाह ताला इन्हें लंबी ज़िंदगी दे। और वीडियो को व्यूवर्स लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल का विज़िट लाजमी कीजिएगा। और फर्स्टली व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और व्यूवर्स आप मेरे चैनल का विज़िट कर सकते हैं, उधर भी आपको और भी सेलिब्रिटीज़ की पिक्स देखने को मिलेंगी। ये आपके देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा फ़नी वीडियोस बनाते हैं, आपने टिकटॉक पे भी देखा होगा, यूट्यूब पे भी इनकी वीडियोस देखी होंगी। यहाँ पे भी ये देख रहे हैं, ये माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। तो उम्मीद करती हूँ व्यूवर्स आपको मेरा आज का कंटेंट पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं हम न्यू कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।